नमस्कार दोस्तों, टोटल खबरी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आज आपने गूगल पर कुछ सर्च किया होगा या फिर गूगल ओपन किया होगा तो आपने देखा होगा कि ऊपर एक इस तरह का डूडल आपको दिखाई दे रहा है। इसमें एक महिला वैज्ञानिक दिखाई दे रही है। ऐसे में लोग सोच रहे हैं कि आखिर यह महिला वैज्ञानिक है कौन। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आज हम आपको बता रहे हैं कि आज गूगल ने किस महिला को सम्मानित किया है। दोस्तों, गूगल समय समय पर कई लोगों को सम्मानित करने के लिए उनकी तस्वीर के साथ डूडल जारी करता है। आज जिस महिला के सम्मान में यह डूडल जारी किया गया है वह है स्टेफेनिया मोरिसिनेनू। स्टेफेनिया मोरिसिनेनू का जन्म 18 जून 1882 को बुखारेस्ट में हुआ था। उन्होंने सेंट्रल स्कूल फॉर गर्ल्स में हाई स्कूल यानी कि 10वीं की पढ़ाई की। इसके बाद 1907 में उन्होंने बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और साल 1910 में भौतिक और रासायनिक विज्ञान में ग्रेजुएशन पूरी की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बुखारेस्ट में सेंट्रल स्कूल फॉर गर्ल्स में एक शिक्षक के रूप में की। इसी दौरान उन्होंने रोमानियाई विज्ञान मंत्रालय में स्कॉलरशिप प्राप्त की और बाद में पेरिस में रेडियम संस्थान में ग्रेजुएट रिसर्च करने का फैसला लिया। इसके बाद वे रोमानिया लौट आई और रेडियो एक्टिविटी के अध्ययन के लिए अपने शहर में पहली प्रयोगशाला की भी उन्होंने स्थापना की थी। मोरिसिनेनू ने अपने जीवन के कई साल आर्टिफिशियल बारिश के शोध के लिए समर्पित कर दिए। उन्होंने ही पहली बार ये बताया था कि एपिसेंटर में रेडियो एक्टिविटी बढ़ने के कारण ही भूकंप आते हैं। मोरिसिनेनू के काम को रोमानिया की विज्ञान अकादमी द्वारा मान्यता दी गई, जहां उन्हें अनुसंधान निदेशक के रूप में सेवा देने के लिए भी चुना गया था। हालांकि उन्हें इस खोज के लिए कभी भी वैश्विक मान्यता नहीं मिली। तो दोस्तों, स्टेफेनिया मोरिसिनेनू के बारे में इतनी ही जानकारी हमें प्राप्त हुई जो कि हम आपके साथ साझा कर चुके हैं। और इन्हीं की 140वीं जयंती के अवसर पर गूगल ने इनका डूडल बनाकर इनको सम्मानित किया है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर विराम देंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में।